हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीज फूड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑल अबाउट दी एडिबल फोटो प्रिंटिंग फॉर दी केक। फोटो प्रिंटिंग के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, शुगर पेपर एंड वेफर पेपर। उसके रिलेटेड हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, लाइक उसको स्टोर कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, उसको रेनी सीजन में हैंडल कैसे करना है, उसके रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। फोटो प्रिंटिंग के लिए जो पहला ऑप्शन अवेलेबल होता है वो है शुगर प्रिंट, शुगर पेपर। शुगर पेपर जो है वो पाउडर शुगर से बनाया जाता है। ये प्रिंटिंग के लिए जो इंक यूज़ होता है वो 100% एडिबल रहता है। उसके लिए ये प्रिंट्स प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटर यूज़ किया जाता है वो सिर्फ एडिबल इंक के लिए ही यूज़ किया। आपको प्रिंट करने के लिए आप गूगल पे से कौन सा भी डाउनलोड इमेज यूज़ कर सकते हैं और आपके जो पर्सनल फोटोग्राफ है, कस्टमाइज फोटोग्राफी, वो भी आप प्रिंट करवा के ले सकते हैं। शुगर प्रिंट जो है वो A4 एंड A3 साइज में अवेलेबल रहता है, बट A3 साइज़ का प्रिंटर एंड प्रिंट्स मिलना बहुत ही रेयर है। A4 साइज़ का डायमेंशन जो है वो है, उसका लेंथ जो है वो है 11 इंचेस एंड उसका विड्थ जो है वो है 8 इंचेस। इसका हाफ शीट भी रेगुलरली अवेलेबल हो जाता है। हाफ शीट का डायमेंशन जो है उसका होता है, लेंथ जो आपको मिलेगा वो 8 इंच मिलेगा और इसका विड्थ जो है वो मिलेगा 5.5 इंचेस अप्रॉक्सीमेटली। इसका अगर आप इसका सर्कल प्रिंट कर रहे हो तो इसका सर्कल जो आएगा वो 5.5 इंचेस का आएगा, जो आपको हाफ केजी केक के लिए इजीली यूज़ होता है। और अगर आपको 1 केजी केक मतलब 7 इंचेस और 8 इंचेस के लिए अगर आप प्रिंट ले रहे हो तो यूजुअली आपको फुल साइज़ लेना चाहिए, बट बहुत बार बजट का प्रॉब्लम होता है तो कस्टमर्स वो 5.5 इंचेस का लेके बाजू में अगर आप कौन सा भी डिज़ाइन बना लोगे तो वो आपको इनफ हो जाएगा। और अगर आपका स्क्वायर केक है तो 8 इंच एंड 5.5 इंचेस का स्क्वायर भी आपको काफ़ी हो जाएगा। ये हाफ शीट जो है इसको A5 साइज़ भी बोलते हैं। तो शुगर प्रिंट है वो जब आप केक मटेरियल शॉप से लेके आते हो तो आपको ये एक पॉलीथिन में दिया जाएगा। घर पे आने के बाद आपको इसको एक ड्राई प्लेस पे रखना है, बुक में रख के, पॉलीथिन के साथ आपको एक बुक में रखना है और एक आधा न्यूज़पेपर में रख के आप इसको ड्राई प्लेस पे आपको रखना है। ये ओपन मत रखना, ये ड्राई होता है। एक्चुअली ये जो पेपर शुगर प्रिंट है वो एक स्टिकर रहता है, इसके पीछे ना ही एक प्लास्टिक रहता है, उसके ऊपर शुगर पेपर रहता है। तो अगर ये ओपन रह गया तो ये हार्ड होने की वजह से एकदम टुकड़े टुकड़े पड़ने लग सकते हैं। इसके लिए आपको इसमें पॉलीथीन में रख के फिर बुक में रखना है। और इसका और एक चीज़ आपको मेक श्योर करनी है, इसको फ्रीज में नहीं रखना है और फ्रीज़र में नहीं रखना है। ये शुगर होने की वजह से इसको अगर मॉइस्चर लग गया तो ये चिपचिपा होने लगता है और ये जो इजीली प्लास्टिक प्लास्टिक से निकल जाता है वो नहीं निकलेगा, वो चिपचिपा हो जाने की वजह से उसका स्टिक हो जाएगा। और रेनी सीजन में यही प्रॉब्लम आता है, एकदम अगर बहुत बारिश है तो मॉइस्चर की वजह से वो प्रिंट जो है वो निकलता नहीं है। इसमें आपको एक दो चीज़ें बहुत मेक श्योर करनी है। जब आपको ऐसा लग रहा है कि कॉर्नर पे से हमेशा प्रिंट जो है वो हमेशा कॉर्नर पे से निकालना पहले ट्राई करो कि निकल रहा है कि नहीं। रेनी सीज़न है और अगर आपको लग रहा है कि नहीं निकल रहा है प्रिंट, तो आपको इस प्रिंट को फ्रीज़र में रखना है, फ्रीज़र रेफ्रिजरेटर नहीं, फ्रीज़र में रखना है ओनली फॉर 30 सेकेंड to 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। 30 सेकेंड to 1 मिनट में आप जब ये प्रिंट निकालोगे तो ये एकदम हार्ड हो जाएगा पेपर और फिर आपको प्लास्टिक इजीली निकल जाएगा, फिर वो निकाल के आपको इमीडिएटली आपके केक के ऊपर इसको प्लेस करना है। मेक श्योर करना आप इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखें, ठीक है। और ये भी मेक श्योर करना कि जो शेप है वो भी आप कट करके लेना, ऐसा मत करना कि प्रिंट निकाल गया और प्रिंट ऐसे ही रख दिया और फिर निकालने के बाद एकदम हार्ड होने के बाद आप ट्राई कर रहे हो कि सर्कल शेप करने का, नहीं। आपको जो शेप चाहिए वही आप कट करके फ्रीज़र में रख दीजिए फॉर 30 सेकेंड्स to 1 मिनट ओनली। फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे ये शुगर प्रिंट को अप्लाई कैसे करना है। इसलिए मैंने डेमो के लिए ये डमी लिया है, 6 इंच का डमी लिया है, इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम अप्लाई किया है। ये A5 साइज़ का प्रिंट है शुगर प्रिंट, इसके ऊपर 5.5 इंचेस का सर्कल प्रिंट किया है मिकी माउस थीम का। और ये A4 शीट पे इसका जो बॉर्डर है मिकी माउस थीम का बॉर्डर प्रिंट किया हुआ है। मैं अभी ये प्रिंट को राउंड में कट करके लूँगी और वो जो ये बॉर्डर्स है उसको हाफ में वर्टिकली हाफ में कट करके लूँगी। अभी मैंने ये प्रिंट लगा दिया है। इस फोटो प्रिंटिंग के लिए दूसरा ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है वेफर पेपर।
वेफर पेपर पोटैटो से बनाया जाता है। वेफर पेपर एंड फोटो शुगर प्रिंट, ये दोनों भी 100% वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं। वेफर पेपर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होता है, पर फोटो प्रिंटिंग के लिए यूजुअली वाइट कलर ही यूज़ किया जाता है। वेफर पेपर एज़ पर शुगर शीट सेम साइज़ में, मतलब A4 एंड A5 साइज़ में अवेलेबल हो जाएगा। और वेफर पेपर को जो है स्टिकर नहीं होता है, ये सिर्फ पेपर ही प्रिंट किया जाता है। इसीलिए वो रेनी सीजन में जो है वो आपको अगर शुगर प्रिंट के लिए प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है शुगर फोटो प्रिंट के साथ, तो वेफर पेपर बहुत अच्छा ऑप्शन है। शुगर शीट और वेफर पेपर अप्लाई करने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपका केक जो है वो 1-2 घंटा सेट किया हुआ है फ्रिज में। और वेफर पेपर और शुगर पेपर लगाने के बाद आपको केक को बॉक्स में पैक करके फिर रेफ्रिजरेटर में हाफ आवर टू वन आवर तक उसको सेट करना है, फिर आपको आपको कस्टमर को देना है। और फोटो प्रिंट लगाने के बाद 3-4 घंटे तक आपको ये केक कट होना चाहिए, अदरवाइज़ वो जो कलर्स हैं वो फेड होने के चांसेस होते हैं। और ये जो प्रिंट्स हैं वो हमेशा HD क्वालिटी का ही होता है, कभी कभी इमेजेस अच्छे नहीं होते हैं तो लोग इसके ऊपर न्यूजल अप्लाई करते हैं इसको ग्लॉसी लुक देने के लिए। पर यो न्यूजल जो है, न्यूट्रल जेल जो है, वो आपको फोटो प्रिंट पे लगाने के लिए 1 स्ट्रोक में ही अप्लाई करना है। मतलब आप एक बार आपने यहाँ पे आपके फ़ोटो प्रिंट के ऊपर अगर न्यूजल लगा दिया तो पैलेट नाइफ से यूज़ कर सकते धीरे धीरे, पर 1 स्ट्रोक में ही उसको अप्लाई करना है। क्रीम की तरह ऐसे ऐसे नहीं करना है, अदरवाइज़ वो जो कलर है वो मिक्स होने के चांसेस रहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन वेफर पेपर एंड शुगर पेपर। वेफर पेपर जो है वो एकदम थिन रहता है, शुगर पेपर थोड़ा सा थिक रहता है। वेफर पेपर के पीछे कोई भी प्लास्टिक नहीं रहता है, ये ऐसे ही प्रिंट किया जाएगा। शुगर पेपर के पीछे एक प्लास्टिक रहता है, वो प्लास्टिक के साथ ही प्रिंट किया जाता है और बाद में उसका प्लास्टिक निकाला जाता है। तीसरा पॉइंट है, वेफर पेपर जो है जब आप केक पे लगाते हो फोटो प्रिंट की तरह, वो कट करने के टाइम पे थोड़ा सा नाइफ स्लाइड होने के चांसेस है, बट अगर आप शार्प नाइफ यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। शुगर प्रिंट में ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वेफर प्रिंट वाला जब आप केक खा रहे हो तो आपका केक का जो है टेस्ट चेंज नहीं होगा, बिकॉज वेफर पेपर जो है बेसिकली टेस्टलेस है। और शुगर प्रिंट का केक खाते हो थोड़ा सा पाउडरी टेस्ट आता है। द लास्ट डिफरेंस इज वेफर पेपर जो है एकदम स्टडी रहता है, और शुगर पेपर जो है वो आप अगर प्लास्टिक निकालते हो तो उसके बाद इसका स्टडीनेस नहीं है। इसीलिए वेफर पेपर जो है वो टॉपर की तरह बहुत यूज़ किया जाता है। वेफर पेपर के फ्लावर्स बना के भी केक के ऊपर टॉपिंग की तरह यूज़ किए जाते हैं। आपने देखा भी होगा वेफर पेपर के स्टर्डीनेस की क्वालिटी की वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट कटआउट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इसका बटरफ्लाई है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। और ये जो है डिफरेंट डिफरेंट टॉपर्स, इसमें थीम टॉपर्स भी है, इसको आप एडिबल ग्लू और टूथपिक लगा के इसको एडिबल टॉपर की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, होपफुली आपको आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिल गए होंगे। इवन देन आपको अगर फोटो प्रिंट रिलेटेड और एनी अदर टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ये कस्टमाइज वेफर पेपर प्रिंट और शुगर पेपर प्रिंट आपको केवीज फूड पुणे और कोल्हापुर में मिल जाएंगे। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब केवीज फूड यूट्यूब चैनल। थैंक यू। इस बर्थडे फोटो वाले केक बनाना, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।